नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। समझते हैं खबर को, क्या क्वाड से नकेल कसेगी चाइना पर, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जापान के पीएम फुमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य प्रबंधों और दुनिया को सहयोग को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। क्वाड की संभावना बहुत व्यापक हो गई है। थोड़े समय में ही क्वाड ने अपनी अलग पहचान बना ली है और अलग जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड अच्छा काम कर रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों की नई ऊर्जा दे रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक भलाई की दिशा में काम करने वाली एक ताकत के रूप में उसकी छवि को और मजबूत बनाएगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिए अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि क्वाड ने बेहद कम समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा, हमने टीका वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने, आपदा प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग और कोविड 19 महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की दिशा में समन्वय बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना में योगदान है। पीएम मोदी के अलावा इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस भी मौजूद रहे। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और क्वाड के सदस्य देशों के बीच संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसकी वजह बीजिंग का लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार चुनौती देना और आक्रामक व्यापारिक नीतियां अपनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार चुनौती खड़ा कर रहा है। बाइडन ने क्वाड मीटिंग में रूस और यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोपियन नहीं बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। बाइडन ने कहा कि रूस जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। यूक्रेन पर गेहूं निर्यात में पाबंदी से दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो गया। वहीं जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने अगले साल होने वाले क्वाड समिट को होस्ट करने की पेशकश की। दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच क्वाड की बैठक और पीएम मोदी का जापान का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज के इस मुद्दा कार्यक्रम में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल जवाब हैं उनको तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं, चूंकि रणनीति को आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्वाड को लेकर चाइना का जो रवैया अलग है, लेकिन भारत की यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, उसको कितना अहम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप? देखिए, ये जो बैठक हुई है, चाहे वो क्वाड की बैठक हो, चाहे वो बायलैटरल जो जो मीटिंग्स हुई है, मेरी आवाज इको कर रही है? जी जी जी, बोले जी, काफी इम्पोर्टेंट जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए, ये जो बैठक हुई है, चाहे वो क्वाड मल्टीलेटरल बैठक है या जो बायलैटरल जो मीटिंग्स हुई हैं, इन सभी का एक बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना था कि रूस बेस्ड मॉडल को डिस्टर्ब करने की साजिश रच रहा है, अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान के ऊपर जो लगातार वो खतरा पैदा करता जा रहा है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं इसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड फ्लाइट हो, उसको जिस तरीके से लगातार डिस्टर्ब करने की कवायदें करता है, साउथ चाइना सी के जो छोटे जो पांच देश उनको लगातार जिस तरीके से वो हैरास करने की कोशिश करता है, इंडो इंडियन ओशन रीजन में आए दिन जो उसकी सबमरीन्स वगैरह की जो विजिट्स होती रहती हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, चाइना की साजिशों को ध्यान में रखते हुए,
ये जो क्वाड का जो गठबंधन है वो लगातार गहरा होता जा रहा है। 2017 से जैसा कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, और रविंद्र जी मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में क्वाड का जो महत्व है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो पार्टनरशिप है वो और अधिक गहरी होगी और अधिक तेज होगी। जैसे जैसे चाइना का चैलेंज बढ़ता जाएगा, चाइना की आक्रामकता, चाइना का जो एफेक्टिवनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्वाड का जो महत्व है, क्वाड की जो पार्टनरशिप है और अधिक गहरी होती जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज जो पूरा इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, 21वीं सदी का ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और दुनिया की आधी आबादी इस क्षेत्र में रहती है। इंडो पैसिफिक रीजन में 60% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इस क्षेत्र को बिलोंग करती है। जो साउथ चाइना सी का रीजन है, वहां से जो जो ट्रेड रूट है, $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड है उस क्षेत्र से होता है, और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी बेहद जो है रिच है, और जाहिर है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं। जो सकारात्मक जो मुद्दे हैं, जाहिर है कि पूरे विश्व के जो तमाम राष्ट्र इस पूरे रीजन को अपने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी इस्तेमाल करने की मंशा रखते हैं। जो अन्य जो चाहे यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, अन्य जो महाशक्तियां हैं वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए वो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को वो बना रही हैं। तो ये वर्तमान समय में इंडो पैसिफिक रीजन का जो पूरा एरिया है वो उसमें चैलेंज तो है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको कि सारे राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरे रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रूल्स बेस्ड तरीके से होना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज हों वो रूल्स बेस्ड तरीके से संचालित हों, न कि चाइना जैसे राष्ट्रों के द्वारा जो डिसरप्शन किए जाने के माध्यम से हो। चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, वो अपने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है उस पर अपने आधिपत्यवादी जो मूल्यों को थोपना चाहता है। तो चाइना की जो मंशाएं हैं वो ये चारों राष्ट्र अच्छी तरह से समझते हैं कि चाइना एक अवसरवादी राष्ट्र है, एक विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है, आधिपत्यवादी है। लेकिन चाइना भारत को लेकर जिस तरह से क्वाड बना है, भारत को लेकर वो जरूर यहाँ पर कहता नजर आ रहा है, और बार बार इस तरह की उसने बातें कही भी कि क्वाड का जो सबसे कमजोर कड़ी है वो भारत है। क्या ऐसा है या फिर उसके अंदर डर है कि भारत जिस तरह से अपने रिश्ते बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत और मजबूती की ओर बढ़ रहा है? रविंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि क्वाड की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो भारत है जी, क्योंकि क्वाड जो है भारत के बिना नहीं हो सकता। क्वाड को यदि सफल होना है तो भारत को साथ में लेकर चलना होगा जी। पूरा जो इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है, एम्बेसडर वोरा सर अभी आपको और बेहतर तरीके से इसके बारे में एलाबोरेट करेंगे कि जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को जो सबसे बड़ा चैलेंज देने वाला जो राष्ट्र है वो चाइना है, और चाइना का जो सबसे बड़ा पड़ोसी है वो भारत है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाहे वो इंडियन ओशन की बात करें या लैंड एरियाज की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विश्व की बहुत तेज गति से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। पूरे विश्व में एक बड़ी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर भारत के पास है, हर तरीके की क्रेडेंशियल्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत की क्रेडिबिलिटी है जो कि चाइना के पास नहीं है। चाइना के पास जो भारत को लेकर के जो विश्वास है पूरे विश्व का, जो एक अभी आपने देखा कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत ने एक संतुलित निर्णय लिया और संतुलित स्टैंड लिया, और उस स्टैंड को आज पूरा विश्व सम्मान दे रहा है। चाहे वो यूरोप की यात्रा उन्होंने अभी हाल में की हो, या अभी जापान की यात्रा जो की है, क्वाड की जो बैठक है, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो बायलेटरल बैठक है, सभी में आप देखेंगे कि जो बॉडी लैंग्वेज है नेताओं की वो भारत को सम्मान देने की है, भारत को एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका बहुत ही सम्मानजनक रवैया रहता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भारत की भूमिका पूरे विश्व के मामलों में बढ़ने वाली है, और जैसा कि मैंने कहा कि क्वाड की जो सफलता भारत के बिना हो ही नहीं सकती, भारत क्वाड की सबसे मजबूत कड़ी मैं कहूंगा है। चलिए दीपक जी से भी हम इस चीज को समझ लेते हैं। दीपक जी, अगर मजबूती की भी हम बात करते हैं तो किन किन क्षेत्रों में मजबूती है, ये भी कुछ हद तक बताने की कोशिश की। फिर जो चाइना का डर है, क्या अमेरिका के साथ उसकी करीबियत का डर सता रहा है, या फिर भारत की बढ़ती ताकत का डर सता रहा है चाइना? किसको सता रहा है जी दीपक जी? आप किसको सता रहा? नहीं, आपने पूछा ये डर सता रहा है, किसको सता रहा है? चाइना को। ओके, आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शामिल होने का, आपसे सीखने का, और फिर आप श्रीवास्तव साहब को बुलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, इनसे बहुत सीखता हूँ। इस नॉलेज किसी की इतनी नहीं है जितनी इनकी जान।
ये क्वाड जो है ना सर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप है भारत और वो चार तीन जो दूसरी डेमोक्रेसीज हैं, जिसका एक बहुत रोबस्ट मिलिट्री और डेवलपमेंटल एलिमेंट है। पिछली क्वाड मीटिंग्स में स्पष्ट रूप से चीन का जिक्र नहीं होता था, लेकिन इस बार टोक्यो में स्पष्ट है कि जो हाथी है ना कमरे के अंदर, जो चोर डाकू बदमाश है, वो चीन है। अब क्वाड जा रहा है उन एरियाज में जिनका सिग्निफिकेंस चीनी महामारी ने आपको बता दिया है। वो क्या है? रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, वैक्सीन, एंटी टेरर, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, 5G, इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू फ्री एंड ओपन सी। सब एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारी जो धरती है, हमारी जो दुनिया है, अब उसमें सिर्फ दो टाइम जोन है, एक BC बिफोर कोविड, एक AC आफ्टर कोविड। इस समय हम ड्यूरिंग कोविड में हैं और हमें ये अब तय करना है कुछ ही सालों में हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या हुआ है कि हम लोग सब जानते हैं कि ये डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव था 2004 में, फिर 2007 में जापान के प्रधानमंत्री आए थे शिंजो आबे साहब पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि अब इंडियन एंड पैसिफिक ओशन सीमलेस मीटिंग उनका हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट होगा। सर चार चीजें हैं पूरी दुनिया के सामने आज, चार मुद्दे। तो आपकी सर्वाइवल, मेरी सर्वाइवल, श्रीवास्तव साहब की सर्वाइवल, सारी दुनिया की सर्वाइवल को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले है चीनी महामारी। आज तक चीन झूठ बोलता है, बाइडेन साहब ने कहा है, हमने कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, जापान ने कहा है, भाई बताओ तो सही है महामारी कहां से आए। और जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो चीन क्या बोला, आप तो च्युइंग गम है हमारे जूते में फंसे हुए, आप तो गार्बेज है एशिया के, क्या क्या गालियां देने लगे। डिप्लोमेसी के मामले में चीन जीरो है। दूसरी चीज तो वो है क्लाइमेट चेंज। मैं देश की राजधानी में हूँ इस समय, भारत में, नई दिल्ली में। आपको मालूम है कल कितना जबरदस्त तूफान आया और कुछ ही घंटों में तापमान में 15 डिग्री का परिवर्तन आया। सर मई के 23 या 24 तारीख को ऐसा वेदर मैंने पहले नहीं देखा, ये क्लाइमेट चेंज है। कैलिफोर्निया में तो पीने का पानी चोरी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हो रही है, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहा है, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और सर ये कोई दूर की चीज नहीं है, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो अगले 5-6 साल में मैं तो चला जाऊंगा, मेरी तो उम्र है, लेकिन आप लोगों को जो मुझसे कहीं जवान है, आपको बहुत दिक्कत होगी। तीसरी चीज, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इनके जरिए हम महामारी, आने वाली महामारी, क्योंकि चीन बाद नहीं आएगा, एक और महामारी को छोड़ेगा, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजीज मानव विकास के लिए अनिवार्य है। और चौथी चीज सर, अगर आपको इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए, उसके लिए आपको खुले समुद्र चाहिए। श्रीवास्तव साहब, 500 साल पहले जब अंग्रेज लोग आए थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पर हुकूमत करने, वो ट्रेन से या एरोप्लेन से या मोटर कार से नहीं आए थे, वो समुद्री जहाज से आए थे। आज भी रिकवरी समुद्री जहाज से होगी, तो समुद्र को खोला रहे। ये चार मुद्दे हैं, पांचवा कोई नहीं है, आतंकवाद तो एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इन चारों मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। और चारों के चारों में तो क्वाड की प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा डाकू जो है वो चीन है। क्यों सर, एक चीज आखिरी बता देता हूँ कि चीन की जब ये बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी श्रीवास्तव साहब, तो वो जो इजिप्ट के डिक्टेटर साहब है, सिसी जो भी उनका नाम है, वो गए थे पिंग पोंग से मिले, और पिंग पोंग ने कहा कि हमारी दोस्ती देखिए कितना अच्छा है, दुनिया को दिखाती है, चाइना अरब, चाइना अफ्रीका, चाइना वर्ल्ड, चाइना मून, चाइना मार्स, चाइना सन, जो सॉलिडारिटी है वो दिखा दी, यानी हर चीज में चाइना फर्स्ट है, दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी तक तो मुझे लग रहा है दीपक जी, लेट मी फिनिश सर, एक लाख आखिरी चीज, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में इंटेलेक्चुअल क्लीरोसिस है। इसका मतलब वो देखते थे कि आज से 20 साल पहले अमेरिका कुछ चाहता था छोटे मोटे देशों से, तो झापड़ मारता था, धमकी देता था, चाइना वो करने की कोशिश कर रहा है। आज उस मॉडल पे कोई सुनता नहीं है किसी की। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अभी तक तो चाइना अपने कसीदे गढ़ा करता था, उसको लगने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कलई खुल गई है, उसके जो दावे थे खोखले हैं, और उसका विकास सिर्फ उसके स्वार्थ तक सीमित है, वो बाकी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और साथ ही साथ इस पूरी धरती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए जो क्वाड है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वागत है, क्वाड के जरिए चाइना पर नकेल कसी जा रही है, कोशिश पूरी है, और चाइना की जो घबराहट है, चाइना के जो जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, कभी क्वाड की नाटो से तुलना कर देना, कभी भारत को सबसे कमज़ोर कड़ी बता देना, और कभी क्वाड नाटो नहीं बन सकता, इस तरह की बयानबाजी
ये साबित कर रही है कि चाइना कहीं ना कहीं अंदर अंदर घबराया हुआ है भारत की बढ़ती ताकत से और क्वाड के जिस तरह से सर्वाइवल है क्वाड का, और क्वाड की ताकत तब और बढ़ जाएगी जब कोरिया अगर इसमें शामिल होने की जो मंशा अपनी जता चुका है अगर वो भी शामिल होता है तो और मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं संजीव जी के पास, उनसे समझते हैं कि कितना अहम हो जाता है क्वाड भारत के लिए। संजीव जी, चूंकि भारत और चाइना दो लोग आमने सामने हैं लद्दाख की सीमाओं पर, और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, अपना बिजनेस फैलाना और उसके बाद छोटे देशों पर दबाव बढ़ाना, वो ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति पैदा भारत के सामने भी कर देना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए क्वाड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए रविंद्र जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति की भाषा समझता है जी। चाइना को डील करने के लिए हमें हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही उसे डील करना होगा जी। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो चाइना के इस चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा है, उसमें विस्तारवाद है, उसमें उपनिवेशवाद भी आ गया है BRI के माध्यम से, अवसरवाद भी है। और चाइना के एक पुराने जो एक सबसे बड़े जो स्ट्रेटेजिक थिंकर चाइना के कहे जा सकते हैं सुंजू ने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में सुंजू ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी युद्ध का जो सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि वो युद्ध बिना लड़े हुए ही जीत लिया जाए। अब वो बिना लड़े हुए जो युद्ध अगर कैसे जीता जाए तो इनमी को इतना कमजोर कर दिया जाए, इनमी को इतना डरा दिया जाए, एडवर्सरी को के अंदर इतना भय पैदा कर दिया जाए कि वो जो पहले ही हथियार डाल दे, पहले ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर दे। चाइना इसी तरीके की रणनीतियों पे चल रहा है। चाइना की जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ऐसा लगता है कि सुंजू के वन ऑफ द बेस्ट जो फॉलोअर्स कहे जा सकते हैं वो लगातार जो है इसी तरीके की रणनीतियों पे काम करते हैं जिसमें कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस के माध्यम से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से, अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स के माध्यम से, अपनी धमकियों के माध्यम से, अपनी चेतावनियों के माध्यम से, अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स के माध्यम से वो लगातार अपने एडवर्सरीज पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसे पहले ही डराने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से और चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। इस बात को ये नया भारत अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से चाइना के विरुद्ध ये बेहद आवश्यक है कि भारत भी अपनी पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त करे, लगातार मजबूत करे, और विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अन्य जो देश हो, उन्हें भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना के विरुद्ध मजबूत बनानी होगी। और इसी मजबूत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर ही चाइना के साथ कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी बातचीत सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो ये सिर झुकाता है लेकिन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता, ये बात हम देख चुके हैं। अमरीका इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझ रहे हैं, और जाहिर है कि ताइवान ने भी अपनी रक्षा की तैयारियों के लिए हर तरीके की कवायदें वो वर्तमान समय में कर रहा है। और आप जानते हैं कि चाइना का ये जो पूरा चरित्र है, जो नकारात्मक चरित्र है, डिसेप्शन वाला जो उसका कैरेक्टर है, वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। और अब चाइना के झांसे में दुनिया नहीं आने वाली। चाइना जो इतनी बड़ी इकॉनमी जो बन गया 13-14 trillion dollar की इकॉनमी, वो विश्व के सहयोग से ही बना, चाइना इस बात को भूल रहा है। जिस दिन पूरे विश्व ने चाइना के साथ अपना ये सहयोग बंद कर दिया, चाइना की इकॉनमी को जो है सीवियर लॉसेस होंगे। चाइना की जो इस इकॉनमिक जो प्रॉस्पेरिटी उसने हासिल की है उसको गिरने में भी समय नहीं लगेगा, ये बात चाइना को समझनी होगी। तो मुझे लगता है रविंद्र जी कि वर्तमान समय में भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना के विरुद्ध लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। अमरीका भी, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी इसे मजबूत बना रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन का इतनी जो संभावनाओं से भरा हुआ जो क्षेत्र है उसको, उसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये चारों राष्ट्र अपने डिफेंस पोस्चर को आने वाले समय में और अधिक सशक्त बनाएंगे। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, अनेक अमेरिका के जो हैवी जो उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं वो लगातार पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अधिक से अधिक विजिट कर रहे हैं, वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और चाइना के विरुद्ध पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त बनाया जा रहा है। भारत भी, अगर आपने लद्दाख की बात की तो भारत ने अभी चाइना के साथ इंडो जो लद्दाख के जो
डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर के 15 राउंड की बात की है। लेकिन रविंद्र जी एक बात आपने नोटिस किया होगा, एम्बेसडर वोरा सर मुझसे सहमत होंगे कि भारत ने ये जो वार्ताएं चाइना के साथ की है वो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ की है। भारत कहीं भी झुका नहीं है, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपनी एक इंच की जमीन के साथ भी ये भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा, और इस शर्त के आधार पर ही भारत जो है चाइना के साथ बात कर रहा है। चाइना को डोकलाम में भी 2017 में पीछे हटना पड़ा था, और यहाँ पर भी उसे पीछे हटना पड़ा है, पैगांगसो का जो एरिया था और अन्य जो एरिया जो बचे हुए हैं वहाँ पर भी चाइना के सामने वो एक संदेश था, चाइना कोई विकल्प नहीं है जी, वो एक संदेश था चाइना के लिए कि आप जो भारत के लिए सोच रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, पुरानी तरह से सोच रहे हैं, तो वैसा कुछ है नहीं, इस बार बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। वोरा जी एक बात और हम यहाँ समझना चाहेंगे, क्या अक्सर जो पहले देखी गई नीति भारत की गुट निरपेक्षता की रही है, मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था भारत, उससे परहेज करता था, क्या उन नीतियों को तोड़ रहा है? आपका बहुत दिलचस्प सवाल है। अभी श्रीवास्तव साहब ने कहा कि ये सुनजू फुनजू कोई था चीनी, उसका जिक्र किया था, कोई किताब विताब उसने लिखी थी, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था सुनजू, उसको भी उसका आविष्कार किया था, लेकिन भारत में एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर था सर, उसका नाम था चाणक्य, 2400 साल पहले उसने कहा था, और मैं अंग्रेजी में उसका अनुवाद दे रहा हूँ, ओनली पावर कैन कंटेन पावर, यानी अगर आपके पास ताकत है तो आप दूसरी ताकत को कंटेन कर सकते हैं। आपने पूछा था कि भारत को क्या फायदा हो रहा है, सर इंडियन ओशन इंडिया के बिना कोई मायने नहीं रखता, पैसिफिक ओशन का रखवाला अमेरिका है, लेकिन अगर जापान और ताइवान चले गए तो रास्ता खुला है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा था कि चीन के साथ अगर मैं चीन की कॉन्क्यूबाइन बन जाऊं और सब कुछ उसको दे दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा, और फिर जब थोड़ी सी उनकी दोस्ती बिगड़ी तो चीन कहने लगा तुम तो च्युइंगम हो, हमारे जूते पे चिपके हुए हो, तुम तो गार्बेज हो एशिया के, एटसेट्रा एटसेट्रा। जापान के साथ तो आप जानती हैं चीन के क्या संबंध है। तो ये जो चार देश जो इस समय मिलके क्वाड बने हैं, सबका अपना इंटरेस्ट है चाइना को कंटेन करना, चाइना को पछाड़ देना, इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं। आपने सवाल पूछा क्या हमने नॉन अलाइनमेंट को छोड़ दिया, नहीं सर, नॉन अलाइनमेंट जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आज की हमारी पॉलिसी है सेल्फ अलाइनमेंट, हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, किसी दूसरे के इंटरेस्ट को जो है वो सेकेंडरी लेवल होता है। अब क्वाड प्लस की बात हो रही है सर, ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी जिसको देखो वो भी क्वाड में आना चाहता है, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान भी बोलेगा कि मुझे भी क्वाड में शामिल कर लो, और कहीं चीन ना कह दे कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ। शुरू शुरू में उसने अपने उसके लोगों ने जब कहा कि ये क्या क्वाड क्या नौटंकी है, तो उसके विदेश मंत्री बोले अरे जिस तरह से समुन्द्र की लहर के ऊपर झाग होती है ये चला जाएगा। जब नहीं गया दो साल बाद मलेशिया जाके कहता हु, ये तो एशियन नेटो बन गया, अब कहता घबराओ मत ये नेटो कभी सक्सीड नहीं करेगा, बौखला गया है, घबरा गया, ढाई साल से जिस आदमी की तस्वीर दिखा रहे थे पिंग पोंग या जो भी इसका नाम है, ढाई साल से तो अपने देश से बाहर नहीं निकला, क्योंकि लगता है उसको कि अगर मैं बाहर निकला फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी एक कॉलोनी है हमारे पश्चिम भारत के पश्चिमी साइड पर, एक क्रिकेट खिलाड़ी वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था, वहां तक नहीं गया, जब वो कहें आइए आपके बूट पॉलिश करेंगे, खाना बनाएंगे, जो आप कहें, ऐसा मैं नहीं जाना चाहता। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए उसका जो बयान आएगा इस क्वाड समिट के बारे में फाइनली, वो यही होगा ये सब बकवास है, चीन इतना शक्तिशाली है कि चीन के सामने कोई नहीं टिक सकता, हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते, ये किसको बताएगा, अपने लोगों को, क्योंकि आज चीन में सवाल उठ रहे हैं, आपकी आर्थिक ताकत खत्म हो रही है, सोशल प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं है वहां पर, अब आगे क्या करना है। जब उसकी डोमेस्टिक इशू होती है तो फिर वो घबरा, फाइनली जब वो कहता है भारत एक कमजोर पिलर है क्वाड का, सर सोवियत संघ टूटा था 70 साल के बाद में, अमेरिका में पोस्टेड था mid-80s में, किसी को नहीं पता था कि 5 साल में टूट जाएगा, और आज से 30 साल बाद, मेरी 71 साल की उम्र है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप रहेंगे श्रीवास्तव साहब, लोग PhD करेंगे कि गालवान घाटी का जो इंसिडेंट था उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक्सपोज कर दिया है, और चाइना का डिक्लाइन, मिलिट्री डिक्लाइन वहीं से शुरू हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम अहम जानकारियां देने के लिए कि चीन खड़ा कहाँ है और क्यों उसकी इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। तो फिलहाल क्वाड के जरिए चाइना पर नकेल कसने की पूरी तैयारी, और चाइना की बयानबाजी इस बात को साबित कर रही है कि वो घबराया हुआ है। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़ रही है हमारे साथ।